नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। और रोज की तरह आज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आ गए हैं। फिलहाल तो आज तारीख है 11 अक्टूबर, और चलते हैं पहले करंट अफेयर्स की ओर, देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। हम सभी को पता था कि पहले इंपॉर्टेंट न्यूज नोबेल प्राइज ही होने वाली थी, तो लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार अनाउंस कर दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार मिला है दो लोगों को, और दो लोगों को नहीं, इस बार दो साहित्य के नोबेल दिए गए हैं। 2018 में साहित्य को नोबेल नहीं दिया गया था, क्योंकि जो भी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार चयन करता थे, जो भी उनकी कमेटी थी, उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप थे, जिसकी वजह से बाद में स्वीडिश अकेडमी ने इस पुरस्कार को रद्द कर दिया था। लेकिन इस बार 2018 के लिए इस पुरस्कार को दिया गया है ओल्गा तोकारजुक को, और 2019 के लिए यह पुरस्कार दिया गया पीटर हैंडके को। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पुरस्कार के बारे में। साहित्य 2018 का नोबेल पुरस्कार पॉलिस लेख का, पॉलिस मतलब पोलैंड की रहने वाली है, ओल्गा तोकारजुक, और 2019 के लिए यह पुरस्कार, 2019 के लिए यह पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई लेखक पीटर हैंडके को दिया गया है। स्वीडिश अकेडमी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की थी, और ओल्गा तोकारजुक को उन्हें सीमाओं के आर पार जीवन, यानी कि जो बॉर्डर होते हैं उनके आसपास का जो जीवन होता है, उनके इधर उधर का जो जीवन होता है, उसको दर्शाने की काल्पनिकता के लिए यह सम्मान मिलेगा, और यह सम्मान उन्हें 10 दिसंबर को दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के लेखक पीटर हैंडके को यह पुरस्कार मानवीय अनुभव की परिधि और विशिष्टता को भाषाई सरलता के जरिए, यानी कि भाषा के जरिए जो भी मानव अनुभव है और उनकी जो विशिष्टता है उसके जरिए खोज करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा ब्रिटिश पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग थे, जो 41 ईयर के थे, और जिन्हें जंगल बुक के लिए, वही मोगली वाली, वर्ष 1907 में दिया गया था। उनका जन्म मुंबई में हुआ था। साहित्य के नोबेल पुरस्कार के सबसे उम्रदराज साहित्यकार ब्रिटेन की डोरिस लेसिंग है, जिनकी 88 साल उम्र थी, और जिन्हें 2007 में यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से 14 महिलाओं को अब तक सम्मानित किया जा चुका है। स्वीडिश लेखिका सेल्मा लेगरलो पहली महिला थी जिन्हें 1909 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य का पुरस्कार की अगर हम बात करें तो प्रथम एशियाई एवं प्रथम भारतीय 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का पुरस्कार पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे। वो पहले भारतीय भी थे और पहले एशियाई भी थे जिन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया था। तो ये है साहित्य के नोबेल से जुड़ी हुई बातें। नाम जरूर याद रखिएगा, उनके देश जरूर याद रखिएगा। एक ऑस्ट्रेलिया से है, इनका नाम है पीटर हैंडके, और एक है पोलिश यानी कि पोलैंड की ओल्गा तोकारजुक। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। तो देश का पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी यानी कि खेल विश्वविद्यालय दिल्ली में खोला जा रहा है। ये भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा, और भारत का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई है, और इसके जरिए अब ये कानून बन जाएगा, और इसके जरिए एक विधेयक के जरिए इसकी स्थापना की जा सकेगी। वैसे देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो खेल में अच्छे होते हैं उनको हमेशा एक डर सताता रहता है कि अगर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वो अच्छे खिलाड़ी भी ना बन पाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल पास कहलाते हैं, क्योंकि खेल में अभी तक कोई भी डिग्री नहीं दी जाती है। लेकिन अब इसका प्रावधान हो जाएगा, और जैसे कि मणिपुर में एक विश्वविद्यालय है जहां पर इस तरह के प्रावधान शुरू किए गए हैं, और पायलट योजना के तौर पर उसको लॉन्च भी किया गया था। तो फिलहाल दिल्ली में खुलेगा देश का पहला खेल विश्वविद्यालय, जिसमें लोग खेल में भी आपका ग्रेजुएशन कर पाएंगे, स्नातक कर पाएंगे, परास्नातक कर पाएंगे, इवन डॉक्टरेट की उपाधि भी ले पाएंगे। तो फिलहाल दिल्ली खेल विश्वविद्यालय को एक राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है, और यह CBSE से संबंध दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल होगा, जो खेल में छात्रों का कैरियर बनाने के लिए खेल शिक्षा प्रदान करने पर जोर देगा। तो फिलहाल अभी देखा जाए तो जो लोग खेल में अच्छे नहीं हो पाते हैं, बाय चांस वो पूरा अपना जीवन खेल में देते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता, क्योंकि वो ना तो ग्रेजुएशन पा पाते हैं ना तो वो परास्नातक हो पाते हैं, और ऐसी जगह उनको नौकरी मिलने में भी मुश्किल होती है जहां पर खेल कोटा नहीं होता। खेल कोटा है तो एक बार चलो उनको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर खेल कोटा नहीं है तो उनके पास नौकरी नहीं होती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर दिल्ली में एक पहला, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2019, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हाल ही में पूरी दुनिया में मनाया गया है। यह विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया गया है, और व्यक्ति के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये कब मनाया गया, तो यह है 10 अक्टूबर 2019 को।
कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है तो अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने की कोशिश करता है। ये हम सभी जानते हैं कि अगर आपकी क्षमता, मानसिक क्षमता ठीक है, आप खुश हैं, आप उत्साहित हैं, तो आप कोई भी काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप उत्साहित नहीं हैं, आप निराशा से भरे हुए हैं, तो आप उस काम को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और उसमें आपकी एनर्जी भी मतलब सही ढंग से कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो फिलहाल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने का मुख्य कारण यह भी है कि विश्व में हर वर्ग के लोगों को इस बीमारी के बारे में पता चले और वो इस लिहाज से उसके बचाव हेतु पहले से तैयार रहे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम इस बार आत्महत्या की रोकथाम रखी गई है। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस बार की थीम है आत्महत्या की रोकथाम। मानसिक स्वास्थ्य का है और उसका जो थीम है वो है फोकस ऑन सुसाइड प्रिवेंशन, किसी तरीके से सुसाइड को रोका जाए। सुसाइड की अगर मैं बात करूं तो 2016 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले लोग भारत में हैं। लगभग एक तिहाई लोग जो सुसाइड करते हैं वो भारत में हैं। तो भारत की स्थिति कहीं ना कहीं सुसाइड के मामले में यानी आत्महत्या के मामले में गंभीर है, इसलिए इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुसाइड किसी समस्या का हल नहीं होता। अक्सर मेरे पास भी एक दो मैसेजेस आए हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आता, मैं बार बार लगातार असफल हो रहा हूं, क्या मैं सुसाइड कर लूं? तो कायर हो गए अगर तुम सुसाइड करोगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस तरह के विचार अपने मन में लाता है वो निश्चित रूप से कायर है। और मुझे लगता है कि जैसे जिनके मन में ये विचार आ रहे हैं उनको कायर जैसा शब्द भी बहुत छोटा लगेगा उनके लिए। तो फिलहाल ध्यान रखिए, जब भी आप इस तरह का कोई भी विचार अपने मन में लाते हैं, असफलता से मत घबराइए। हर आदमी असफल होता है, सब असफल होते हैं, लेकिन बार बार असफल होने के बाद ही सफल हो पाता है। कोई पहले सफल हो जाता है, कोई बाद में सफल होता है, लेकिन अगर आप प्रयास करना जारी रखेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि असफलता तब तक है जब तक आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब आप प्रयास करना शुरू कर देंगे आप सफल होंगे, आज नहीं कल। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, 10 अक्टूबर को याद रखिएगा वर्ल्ड मैन। अगली जानकारी है प्रेसिडेंशियल पार्डन पावर। क्या आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है? इवन राज्यपाल जो राज्य के होते हैं उनके पास भी क्षमादान की शक्ति होती है। वो किसी भी बंदी के सजा को कम कर सकते हैं, उसको विलंबित कर सकते हैं और इवन उसको समाप्त भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर आर्टिकल 72 के तहत आती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति 5 तरीके से किसी भी सजा में परिवर्तन कर सकते हैं। वो सब मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले आता है कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन है सजा की प्रकृति को बदलना। जैसे राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो मृत्यु दंड को उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे पार्डन पावर कहा जाता है। दूसरा है परिहार। परिहार का मतलब था रिमिशन, सजा की अवधि को बदलना। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। रेस्पाइट या रेस्पिट, जैसा भी आप इसे पढ़ना चाहें, विराम। विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण। प्रविलंबन, रिप्रेव, यानी कि किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए और बाद में दी जाए। अगला लास्ट इज पार्डन। पार्डन मतलब पूर्णतया माफ कर देना। इस तकनीक का मतलब यह होता है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है और पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। अब यह न्यूज मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? 31 अगस्त 1995 में पंजाब में मुख्यमंत्री थे बेअंत सिंह। बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या में दोषी पाए गए थे बलवंत सिंह राणा, रावना ऐसा कुछ नाम है, बलवंत सिंह रावना उनका नाम है। उन्होंने अभी हाल ही में एक याचिका दायर की थी जिसे दया याचिका कहा जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास दया याचिका जाने के बाद गृह मंत्रालय को भेजी जाती है, उसके ऊपर रिपोर्टिंग होती है और गृह मंत्रालय वापस फिर राष्ट्रपति के पास भेजता है और अगर उसमें हमने परामर्श देता है, क्योंकि हमारे आर्टिकल में, हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति को किसी भी बंदी की सजा को माफ करना या खत्म करना या मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो गृह मंत्रालय है उससे सलाह मशवरा करना होगा। ये उनका विवेकाधिकार नहीं है, मतलब अपने विवेक से नहीं कर सकते। तो फिलहाल जब उनकी हत्या के दोषी जो थे, बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जो है बलवंत सिंह रावना, उनकी सजा, उनको मृत्युदंड की सजा दी गई थी और मृत्युदंड की सजा की याचिका में अभी जो गुरु नानक सिंह जी हैं उनकी 550वीं जयंती के अवसर पर उपलक्ष्य में मानवता की भावना का प्रदर्शित करते हुए एक अभियुक्त जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री की हत्या के दोषी थे, उनका नाम है बलवंत सिंह रावना, के सजा को समाधान करने का परिवर्तित करने का फैसला किया है। क्षमादान का मतलब यह हो जाएगा कि उनकी सजा जो फांसी की सजा है उसे उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
ऐसे सारे अधिकार आर्टिकल 161 के तहत भारत के राज्यपाल के पास भी होते हैं, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार या मृत्यु दंड को पूरी तरह से खत्म करने का अधिकार उनके पास नहीं है। वो मृत्यु दंड को निलंबित तो कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से क्षमा नहीं कर सकते। मृत्यु दंड को पूरी तरह से क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। और इस जयंती के अवसर पर 8 कैदी जो अलग अलग जेलों में बंद हैं उनको रिहा किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और आर्टिकल नंबर 72 आपको जरूर याद रहा होगा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत का राष्ट्रपति ये संविधान के किस भाग में वर्णित है, किस भाग में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, उसके पावर के बारे में बताया गया है, उनके आर्टिकल कहां से शुरू होकर कहां खत्म होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में रखना है और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं आप क्वेश्चन डिस्कस किया करो, मैं क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिस्कस नहीं करता हूं ताकि आप जो मेरे वीडियो के कमेंट हैं उनको भी ध्यान से पढ़ें। हर जगह मैं ही आपके सामने खड़ा नहीं रहूंगा, आपके दोस्त यार आपके मित्र जो यहां पर आपको मिलते हैं एक साथ जुटते हैं उनके भी आंसर देखा करें। और अगर मुझे लगेगा कि नहीं सबने गलत आंसर कर रखा है और इससे आप सही आंसर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं जरूर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। चलिए, तो फिलहाल आपको बताना है क्वेश्चन ऑफ द डे राष्ट्रपति के बारे में। अगली जानकारी है जियो टेल। अब ये जियो टेल क्या है? अभी हाल ही में आपने न्यूज सुनी होगी कि इसरो को कुछ कामयाबी हासिल लगी है, लेकिन शायद वो आपको समझ में नहीं आई होगी कि इसरो को वाकई में क्या कामयाबी हासिल लगी है। पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। आप मान लीजिए मेरे पास जहां पर मैं हूं वहां पर सूरज है और ये उस साइड पृथ्वी है। होता क्या है कि पृथ्वी का ये आप देख पा रहे हो, पृथ्वी के सूर्य की तरफ से सोलर विंड चलती है। सोलर विंड यानी कि जो रेडिएशन निकलता है उसको सोलर विंड कहा जाता है। तो वो रेडिएशन निकलता है और पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसकी वजह से ये सोलर विंड उसका एक अपोज करती है और वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा सा पीछे की ओर खिसका देती है। पीछे की ओर खिसकाने की वजह से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो शेप है वो कुछ ओवल के शेप में ऐसा आ जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के शेप को ही कहा जाता है जियो टेल। जियो टेल में बहुत भारी मात्रा में आपको ऐसा लगेगा जैसे जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका कुछ पार्ट यहां से लेके यहां तक वाला पार्ट जियो टेल से होकर गुजरता है। जियो टेल से गुजरने के कारण यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य के मिले जुले चुंबकीय क्षेत्र में इसको गुजरना पड़ता है और वहां पर अभी हाल ही में हमारा चंद्रमा का जो चक्कर लगा रहा है, हमारा जो चंद्रयान 2 गया हुआ है उसका जो ऑर्बिटर चक्कर लगा रहा है, उसने वहां पर आवेशित कणों का पता लगाया है और ये एक तरह की नई खोज थी। और ये हमें कहां हासिल हुई है? जियो टेल में। थोड़ी सी जानकारी पढ़ते हैं, वैसे मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। हाल ही में चंद्रमा की मिट्टी में तत्वों उपस्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए चंद्रयान 2 के एक क्लास यानी कि चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नामक उपकरण ने अपने मिशन के दौरान आवेशित कणों का पता लगाया। और ये आवेशित कण कैसे हैं, कहां से हैं, ये उसको कहां पर प्राप्त, इसके ऊपर ये अभी चर्चा का विषय है और इसके ऊपर खोज जारी है। यह घटना जियो टेल के माध्यम से ऑर्बिटर से गुजरने के दौरान हुई। जियो टेल एक ऐसा क्षेत्र है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच पारस्परिक सौर वायु के प्रभाव से उत्पन्न होता है और मैग्नेटिक रेजोनेंस का क्षेत्र रहता है। जियो टेल अंतरिक्ष में पर्यवेक्षण का सर्वोत्तम क्षेत्र है, यानी यहां पर आप जाकर कई सारी चीजों के रेडिएशन के या कई सारे सिग्नल्स के बारे में अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि यहां पर सब कुछ इकट्ठा कर दिया जाता है। प्रत्येक 29 दिनों में चंद्रमा एक बार लगभग 6 दिनों के लिए जियो टेल क्षेत्र में पहुंचता है। यहां से यहां पहुंचने में उसे 6 दिन लगते हैं और उसी समय चंद्रयान 2 जो चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है उसके उपकरण जियो टेल के गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। सूर्य आवेशित कणों की एक सतत धारा के रूप में सौर वायु का उत्सर्जन करता है और ये कण सूर्य से विस्तारित चुंबकीय क्षेत्र में अंतर्निहित होते हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी गुरुत्वीय क्षेत्र से मिलकर एक नए प्रकार का क्षेत्र बनाते हैं और इस तरह से पीछे की ओर पुश होता है ये पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र। इस पुश होने की वजह से इसका जो शेप होता है कुछ इस तरह का होता है। अगर ऐसा ना होता तो ये पूरा गोल होता है, यहां पे पृथ्वी है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहां पर ऐसे बनता है। तो जियो टेल क्या है ये आपको पता चल गया। और जियो टेल का अध्ययन कैसे करेंगे? अब चंद्रमा वहां पहुंचेगा 6 दिन के लिए और इस तरीके से हमारा जो चंद्रयान 2 है ये बहुत ही एक मतलब रहस्यमयी किरणों के बारे में शायद जानकारी हासिल कर सके। तो अब देखते हैं कि अब क्या होने वाला, जस्ट वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। जियो टेल आपको समझ में आ गया होगा। अगली जानकारी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया गेट द फर्स्ट ग्रीन कॉम्बिनेशन। पहले मैं आपको बताऊं ग्रीन कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीसीआई क्या है, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? कमीशन का मतलब होता है स्पर्धा। प्रतिस्पर्धा को अगर परिभाषित किया जाए तो जिस मार्केट में प्रतिस्पर्धा होती है उसका मतलब यह हुआ कि उस मार्केट के जो भी ग्राहक होंगे, एंड यूजर होंगे, उनको वस्तुएं सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ कम कीमतों पर उपलब्ध होंगी। अगर बाजार में कोई मोनोपोली ना हो, सॉरी कोई इस तरह की प्रतिस्पर्धा ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट की मोनोपोली हो, तो जो उसको बनाने वाली कंपनी है वो कहीं ना कहीं उसको ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में उसकी कीमतें आसमान को छुआ सकती है। ऐसा ना हो
एक कॉम्पिटिटिवनेस माहौल बना रहे, उसके लिए बाजार को नियामक करने के लिए बनाया गया था कंपटीशन कमीशन आयोग, यानी सॉरी कंपटीशन कमीशन इन इंडिया, मतलब कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। पहली बार इन्होंने ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन कॉम्बिनेशन जारी किया था। ग्रीन कॉम्बिनेशन क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि जब भी दो लोग मर्ज होते हैं, जैसे जियो वाला अगर आप केस देखें तो जियो अकेली आई मार्केट में, लेकिन उससे ये डर था कि कहीं एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनियां अगर आपस में मिल जाएंगी तो उनके पास इतना एसेट होगा जो जियो से आराम से मुकाबला कर पाएंगे। अब ऐसे लोगों का मर्जिंग ना हो जिससे बाजार में नुकसान ना हो, एक कंपनी का दिवाला ना निकल जाए, ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए एक्विशन यानी कि अधिग्रहण पर भी ये नजर रखता है। और ग्रीन कॉम्बिनेशन ऐसा अधिग्रहण कॉम्बिनेशन के लिए चैनल बनाया गया है जिसमें दो कंपनियां आपस में मर्जिंग कर सकती हैं, लेकिन उनका जो निस्तारण होगा, मतलब उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो बड़ी तेजी के साथ होगा। ग्रीन चैनल का मतलब ग्रीन यानी कि चलो ठीक है निकलो, हो जाएगा तुम्हारा। तो इस तरीके का एक ग्रीन कॉम्बिनेशन किया है और ग्रीन चैनल लॉन्च किया है मर्जिंग के लिए। और अभी हाल ही में पहली मर्जिंग प्राप्त हुई है, वो है सचिन बंसल ग्रुप की। कहां गया? हां, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत दाखिल प्रथम ग्रीन चैनल कॉम्बिनेशन प्राप्त कर लिया है। यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग नियमन 2011 कॉम्बिनेशन नियम 3 बेकार है, नियम 5A से कोई मतलब नहीं है। यह म्यूचुअल फंड से भी नियमन 1996 के तहत पंजीकृत है, जो सचिन बंसल ग्रुप यानी एसएल ग्रुप का है। एसएल ग्रुप अभी तक इन्वेस्टर के रूप में काम कर रही थी और उसका जो म्यूचुअल फंड है उसके बीच में आपस में मर्जिंग हुई है, और क्योंकि दोनों कंपनियां एक ही मालिक की थी इसलिए इसकी मर्जिंग को ग्रीन कॉम्बिनेशन के तहत उनका मर्जिंग किया गया है। दो कंपनियों को एक ही मालिक की होने की वजह से एक साथ मर्ज कर दिया गया, जिससे तेजी के साथ ये काम हुआ है। अदरवाइज में काफी लंबा प्रोसेस होता है, कई सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। इन डॉक्यूमेंटेशन से बचने के लिए जब भी इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन या कोई भी एक्विजिशन किया जाए या कोई भी अधिग्रहण किया जाए वो तेजी के साथ हो सके, इसलिए प्रतिस्पर्धा आयोग ने क्या कर रखा है, ग्रीन कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। और ये एसएल ग्रुप जो कि सचिन बंसल ग्रुप की कंपनी है, उस ग्रुप की दो कंपनियों को आपस में मर्जिंग किया गया है। किसी भी अर्थव्यवस्था में बेहतर प्रतिस्पर्धा का अर्थ है आम आदमी तक किसी भी गुणात्मक वस्तु या सेवा की बेहतर कीमत पर उपलब्धता को सुनिश्चित करना। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को वर्ष 2007 में संशोधित कर नए नियमों के साथ अपडेट किया गया था, और प्रतिस्पर्धा को दुष्प्रभावित करने वाले जो भी प्रैक्टिस है उनको समाप्त करना और टिकाऊ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ये इस आयोग का प्रमुख काम है। 14 अक्टूबर सन 2003 को प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई थी, और इसी मोटो के साथ आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी ग्रीन कॉम्बिनेशन चैनल क्या है। अगली जानकारी है, आरबीआई ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे अभी हाल ही में रिलीज किया है, यानी उपभोक्ता का विश्वास सर्वेक्षण जारी किया है, जिसके जरिए ये पता है, ये जो सर्वे किया गया ये 13 शहरों में किया गया, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और तिरुवनंतपुरम। तो अभी जो अर्थव्यवस्था का हमारा माहौल है उसमें कितना जो कंज्यूमर है वो कितना कंज्यूमर शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला है, या किसी भी कंपनी अपने रुपए को कितना इन्वेस्ट करने में, भारत के अंदर इन्वेस्ट करने में कितना जोखिम उठा सकता है, इसके बारे में ये सर्वे था। तो इस सर्वे से जो तस्वीरें आई हैं सामने वो काफी निराशाजनक है, क्योंकि रोजगार के गिरावट के कारण उपभोक्ताओं ने असंतोष जताया है और जुलाई 2019 की तुलना में आगे के वर्ष में अपनी आय पर कम आशावादी है। समग्र व्यय के साथ साथ आवश्यक व्यय पर उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं अभी भी मजबूत बनी हुई हैं, हालांकि विवेकाधीन व्यय पर उनकी भावनाएं कमजोर पड़ रही हैं। सितंबर में वर्तमान स्थिति सूचकांक और भविष्य की अपेक्षाओं सूचकांक में गिरावट होने से उपभोक्ताओं की विश्वसनीयता कम हो गई है। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और ये दर्शाता है कि भारत में एक निराशा का माहौल है जो मार्केट में चल रहा है। तो फिलहाल अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है, स्पिरिट ऑफ केरला विंस पीपल्स चॉइस अवार्ड। मैं एक पल को इसको नहीं लेने वाला था, मतलब फॉर करेंट अफेयर्स के लिए मैं आपके लिए नहीं लाने वाला था, मुझे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको ढंग से पढ़ा तो मुझे लगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल जो अभी सीजल के पेपर हुए हैं, सीजल के एग्जाम हुए हैं, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं जो छोटे छोटे अवार्ड के थे, लेकिन अगर उसको किसी भारतीय ने जीता है और वो पहली बार उसे जीता है इस तरीके का कोई अवार्ड, तो वो पूछ लिया गया है। तो मैंने इसको रखा कि केरल की एक शॉर्ट फिल्म है स्पिरिट ऑफ केरल, जो केरल में जो नौका दौड़ होती है उसके ऊपर आधारित थी। तो इस और अभी हाल ही में माई रोड रील आप चाहे तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं माई रोड रील की। माई रोड रील जो है ये एक अवार्ड है, ये प्रतियोगिता है जिसमें दुनिया भर की जो शॉर्ट फिल्म होती हैं, छोटी छोटी फिल्में होती हैं, उनके उनके लिए ऑस्कर अवार्ड की तरह आप मान लीजिए, उनकी तरह उनके लिए ऑस्कर अवार्ड की तरीके है। तो फिलहाल पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है, जिसमें 1680 प्रविष्टियों को हराकर यह सम्मान जीता है। यह शॉर्ट फिल्म एक बोट रेस पर आधारित है
और अरुण जोसेफ द्वारा निर्देशित की गई है। माई रोड रेल फिल्म प्रतियोगिता को विश्व की सबसे बड़ी शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता कहा जाता है। तो इसमें केरला की फिल्म का पीपल चॉइस अवार्ड जीतना एक बड़ी बात है। अगली जानकारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च गंगा इन्विटेशन कैंपेन। तो इसे गंगा आमंत्रण योजना की शुरुआत की है। जो लोग भी गंगा के किनारे रहते हैं उनसे गंगा को स्वच्छ करने की अपील की गई है। और इस तरीके से गंगा आमंत्रण अभियान जो है ये जल शक्ति मंत्री यानी जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने शुरू किया है। फिलहाल कहा गया है कि गंगा नदी पर महीने भर चलने वाला ये अग्रणी खोजपूर्ण ओपन वाटर राफ्टिंग और कायाकिंग अभियान है। इसमें उत्तराखंड के देवप्रयाग से पश्चिम बंगाल में गंगा सागर के करीब 2500 किलोमीटर की एक दूरी तय की जाएगी और गंगा को पूरा एक्सप्लोर किया जाएगा। वो कहां कहां से गुजरती है उसके ऊपर एक रिवर राफ्टिंग टाइप का मतलब उसके ऊपर बोट चलाई जाएगी, आप ऐसा समझ सकते हैं। गंगा आमंत्रण स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन द्वारा पूरी गंगा नदी में इस तरह का पहला प्रयास है और साहसिक खेल गतिविधि के माध्यम से इसे लाया गया है। यह सबसे बड़ा सामाजिक अभियान है जिसके तहत गंगा पुनर्जीवन और जल संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री वर्तमान समय में गजेंद्र सिंह शेखावत है। ध्यान रखिएगा, गंगा आमंत्रण प्लान किसका है? रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन है जिसमें काफी सारे लोग हिस्सा लेंगे और 2500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। अगली जानकारी है, वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। इस टाइम जिम्नास्टिक में केवल एक ही नाम गूंज रहा है, वो है सिमोना बाइल्स का। अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोना बाइल्स ने विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में 21वां पदक अपने नाम करने में सफलता पाई है। विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2019 में सिमोना बाइल्स के खेल की बदौलत अमेरिका ने महिलाओं की टीम स्पर्धा का खिताब हासिल किया है। अमेरिका का यह लगातार पांचवां टीम खिताब था। टीम स्पर्धा में अमेरिका ने रूस को पराजित कर यह खिताब जीता है। चीन ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। बाइल्स ने व्यक्तिगत रूप से अपना 15वां विश्व खिताब जीता है। वहीं टीम स्पर्धा के स्वर्ण के साथ सिमोन ने रूस की स्वेतलाना कोरिकीना को पीछे छोड़ते हुए विश्व चैंपियनशिप में सबसे सफल महिला खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने अब तक विश्व चैंपियनशिप में 15 स्वर्ण 3 रजत 3 कांस्य पदक जीतकर कुल 21 पदक अपने नाम किए हैं। वहीं स्वेतलाना कोरिकीना ने विश्व चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। अगली जानकारी है, प्राइम मिनिस्टर का एक इनोवेशन एजुकेशन प्रोग्राम है ध्रुव। तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में इसरो में प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 100 दिवसीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम को प्रतिभावान बच्चों को पहचान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें विज्ञान के साथ जोड़ा जाएगा और ये प्रधानमंत्री नवाचार मिशन यानी कि प्रधानमंत्री इनोवेशन मिशन के अंतर्गत लाया गया है, शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है। अगली जानकारी है, यूएनईपी एशिया एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड। तो वनों की रक्षा करने के लिए अभी हाल ही में आईएफएसएफ अधिकारी 1996 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी रमेश पांडे को यूएनईपी के एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान वन्य अपराध को रोकने के लिए किए गए कार्य के लिए दिया जा रहा है। यूएनईपी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। वर्तमान समय में एंगर एंडरसन इसकी हेड है। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। तो ये थे आज के हमारे डिटेल करंट अफेयर्स। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। सबसे पहला वन लाइनर है, वर्ष 2018 के लिए साहित्य का नोबेल ओल्गा तोकारचुक को दिया गया है, वह किस देश से संबंधित है? वे हैं पोलैंड से। हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली में भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो वो है राजकीय खेल विश्वविद्यालय। ये अपने आपका पहला विश्वविद्यालय होने जा रहा है। हाल ही में कौन सा दिवस पूरी दुनिया में मनाया गया? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पूरी दुनिया में 10 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की कौन सी जयंती के समारोह में मानवता की भावना को प्रदर्शित करते हुए एक अभियुक्त जिनका नाम है बलवंत सिंह राउना की मौत की सजा से क्षमादान परिवर्तित करने का फैसला किया है। क्षमादान में मतलब उनको उम्र कैद की सजा दी जाएगी, क्षमा उनकी पूरी पूरी उसको हटाया नहीं जा रहा है। तो ये क्षमा नहीं है, ये आपका वो रिमेंडेशन है। तो अभियुक्त की मौत की सजा को क्षमादान में परिवर्तित करने का फैसला किया है। तो ये 50वीं है जिसे लघुकरण कहा जाता है। तो हाल ही में चंद्रमा की मिट्टी में तत्वों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए चंद्रयान 2 के कौन से उपकरण ने अपने मिशन के दौरान आवेशित कणों का पता लगाया है? तो उसका नाम है क्लास, जो कि एक स्पेक्ट्रोमीटर है। इसने जियोटेल का अध्ययन करने का ठान लिया है, मतलब जियोटेल का अध्ययन करके ये बताएगा। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत दाखिल कौन सा कॉम्बिनेशन प्राप्त किया है? तो प्रथम गेन चैनल कॉम्बिनेशन प्राप्त किया है, जिसमें एसएल ग्रुप की एसएल म्यूचुअल फंड का आपस में अधिग्रहण किया गया है। अगली जानकारी, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में हुए कौन से सर्वेक्षण के परिणाम जारी कर दिए हैं? तो उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं, जिसमें लोग
काफी निराशावादी हैं भारत की मार्केट को लेकर, भारत के बाजार को लेकर। हाल ही में केरल की शॉर्ट फिल्म स्पिरिट ऑफ केरल ने माई रोड रेल फिल्म में कौन सा अवार्ड जीता है? पीपल्स चॉइस बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है। हाल ही में जल शक्ति मंत्री ने कौन से एक अभियान की शुरुआत की है? गंगा आमंत्रण, ये एक रिवर राफ्टिंग एक्सपेडिशन है। हाल ही में अमेरिकी जिमनास्ट सिमोना बाइल्स ने कौन सी प्रतियोगिता में 21वां पदक अपने नाम किया है? तो विश्व जिमनास्टिक चैंपियनशिप में अमेरिकी सिमोना बाइल्स। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसरो में प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण में कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वह है ध्रुव। हाल ही में यूएनईपी एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो वह है रमेश पांडे। वर्ष 2018 के लिए साहित्य का नोबेल ओल्गा तोकारचुक को दिया गया, वे किस देश से हैं? वो पोलैंड से हैं। अब बारी है क्विज की। हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री दिल्ली में भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो वो है राजकीय खेल विश्वविद्यालय। हाल ही में कौन सा दिवस पूरी दुनिया में मनाया गया? मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये 10 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया गया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की कौन सी जयंती समारोह में मानवता का भावना प्रदर्शित करते हुए एक अभियुक्त की मौत की सजा को क्षमादान यानी कि लघुकरण में परिवर्तित करने का फैसला किया है और उनकी जो सजा है उसकी प्रकृति बदल देंगे? उन्हें मौत की सजा हुई थी और उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी जाएगी, तो वो 550वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया है। हाल ही में चंद्रमा की मिट्टी में तत्वों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए चंद्रयान 2 के कौन से उपकरण ने अपने मिशन के दौरान आवेशित कणों का पता लगाया? तो उसका नाम था क्लास। ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि आवेशित कणों का पता लगाएगा। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत दाखिल कौन सा कॉम्बिनेशन प्राप्त किया है? तो ये प्रथम ग्रीन कॉम्बिनेशन चैनल उन्होंने पाया है और इस तरह के जरिए इस तरह के मर्जर जो भी होंगे जिसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, जिनमें उन्हें कोई भी आपत्ति नजर नहीं आती, उसको फास्ट ट्रैक लाने के लिए यानी उसको तेजी से करने के लिए ग्रीन कॉम्बिनेशन चैनल लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में कौन से सर्वेक्षण परिणाम जारी किए हैं? तो उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं जिसमें बाजार के ऊपर भारतीय उपभोक्ता का क्या सोचना है, क्या उसके नजरिए हैं, इसके ऊपर काम किया है, लेकिन काफी निराशाजनक नतीजे आए हैं। हाल ही में केरल की शॉर्ट फिल्म स्पिरिट ऑफ केरल माई रोड रेल फिल्म प्रतियोगिता में कौन सा अवार्ड जीता है? तो पीपल चॉइस अवार्ड जीता है। हाल ही में जल शक्ति मंत्री ने कौन से एक अभियान की शुरुआत की है? तो उस अभियान का नाम है दोस्तों गंगा आमंत्रण, जो कि पूरा 2500 किलोमीटर की एक रिवर राफ्टिंग एक्सपेडिशन है। हाल ही में अमेरिकी जिमनास्ट सिमोना बाइल्स ने कौन सी प्रतियोगिता में 21वां पदक अपने नाम करने में सफलता पाई है? तो विश्व जिमनास्टिक चैंपियनशिप में। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसरो में प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण के कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो उसका नाम है ध्रुव, जिसके जरिए स्कूली बच्चों को इसरो के साथ जोड़ा जाएगा और उनको जो भी इनोवेशंस के बारे में है, उनके जो भी शिक्षा के रूप में इनोवेशन होंगे उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। हाल ही में यूएनईपी के एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो भारतीय विदेश सेवा के 1996 बैच के अधिकारी, उनका नाम है रमेश पांडे, जिनको वनों की कटाई को रोकने के लिए, अवैध तरीके से रोकने के लिए इस अवार्ड को दिया जाएगा। तो फिलहाल ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आ रहे होंगे और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक तो कर ही दीजिएगा कम से कम, उसमें कुछ नहीं जाता, बस एक बटन दबाना होता है और अगर एक बार लाइक करिए तो दोबारा मत करना क्योंकि फिर वो लाइक रहेगा नहीं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।